ਐ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐ ਇੰਡੀਆ ਐ ਖੇਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਯੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਯੇ ਬੁਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਆਖਰੀ ਹਦੂਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ आगे आपको फैंसी नज़र आ रही होगी। ये मैं इतफाक पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तकरीबन होगा कोई 1 किलोमीटर। ये जो फसलें नज़र आ रही हैं ना, ये पाकिस्तान की हैं, और दिफा उससे फैंसी से आगे जो है ना थोड़ी फसलें वो इंडिया की हैं, फैंसी पीछे लगी हुई है। ये देखें, ये मंदिर है कोई या गुरुद्वारा है, वो इंडिया के अंदर है। ये सारे घर इंडिया के अंदर हैं। यहाँ पाकिस्तान का बंदा एक काम भी कर रहा है। ये देखें, ये पाकिस्तान के खेत हैं, उससे आगे जो है ना वाइट वाइट पिलर लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान की आखिरी हदूद है। और ये इंडिया के घर हैं, टैंकी लगी हुई है और गुरुद्वारा है। और एक इधर गुरुद्वारा था, वो ये वाला, वो ऐसे लग रहा है जैसे सोने का ऊपर ना गुंबद सा बना हुआ, वो वाला, वो भी इंडिया के अंदर है। ये जी पाकिस्तान की आखिरी दूध यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इससे थोड़ी सी आगे भी फसलें हैं, लेकिन यहाँ से इससे आगे नहीं, आम बंदा नहीं जा सकता। वो इंडिया के घर आपको नज़र आ रहे होंगे बाइक पर। ये देखें जी, ये इंडिया के घर नज़र आ रहे हैं, और वो जो सफ़ेद सफ़ेद भुर्जी है ना छोटी सी, वो पाकिस्तान की आखिरी हदूद है। वो है जी गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर, इन्हें मंदिर नहीं नज़र आते जितने गुरुद्वारे नज़र आते हैं। सिख लगता है बहुत ज़्यादा है। देखिए ख़बरदार इख्तिताम हदूद पाकिस्तान, और वो पीछे फैंसी लगी हुई है, वो गेट भी है, ये बहुत ज़्यादा है। ये देखिए ये गेट है जो तारें क्रॉस करके ना इंडिया वाले किसान और उनके फौजी अपनी खेती बाड़ी करने आते हैं इंडिया वाली साइड में। ये देखें इख्तिताम हदूद पाकिस्तान। ले जी, अभी मैं बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर आ गया हूँ, और अभी मैं जो हूँ वो पाकिस्तानी मोर्चे के ऊपर खड़ा हूँ, और सामने ही आपको इंडिया के घर नज़र आ रहे होंगे, और ये फैंसी भी लगी हुई है, और ये इंडिया की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। और ये वो जगह है जहाँ पे इंडिया की कुछ ख़ास, यानी कि पीछे इसके जगह हैं जो वो दिखाना नहीं चाह रहे, उन्होंने बिल्कुल वहाँ से उसको ब्लैक तारों के साथ कवर किया हुआ है। ये देखें, ये इंडिया के घर हैं बिल्कुल ही, और ये एक जुड़वा गांव है पाकिस्तान का। ये देखें, ये फिर वही जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो ब्लैक ब्लैक इन्होंने तारों के साथ कवर किया हुआ है ना, यहाँ पर इनकी कोई ख़ास चीज़ है जो वो पाकिस्तान को दिखाना नहीं चाह रहे। और इसके पीछे आपको एक गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा होगा, सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है। ये देखें, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई गुरुद्वारा है, और इसके अलावा कोई और चीज़ है जो वो दिखाना नहीं चाह रहे। और ये देखें आप, यहाँ पे पाकिस्तानी जो औरतें हैं वो खेतीबाड़ी अपना कर रही हैं, कुछ फसलों का काम कर रही हैं, पीछे बिल्कुल इंडिया की फैंसी लगी हुई, और सफ़ेद जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये पाकिस्तान की आखिरी हदूद है। ये जी हम बॉर्डर के बिल्कुल करीब आ गए हैं, ये पाकिस्तान की आखिरी हदूद है। ये देख लें, ये अभी साइड पे जो है ना, ये जो खेत हैं ये पाकिस्तान के हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान की हदूद कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ये अभी साथ सीधे हाथ पे जो खेत है ना, ये पाकिस्तान की हदूद है, और ये तारें जो लगी हुई, ये ज़ीरो लाइन है, ठीक है। आगे फौजी भी बैठा होता है तो टेंशन ही है। ये देख, ये ज़ीरो लाइन है पाकिस्तान की, ये हल चला हुआ ना, ये पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन है। ये सारा ये हल चले हुए ना, ये पाकिस्तान की ज़ीरो लाइन है। और तारें, ये आखिरी हदूद है। ये खेत सारे जो आपको साथ ही खेत नज़र आ रहे हैं ना, ये इंडिया के खेत हैं, और ये हल इंडिया वालों ने चलाया हुआ है। आगे जो वाइट आपको हल नज़र आ रहा है, ये सारे इंडिया ने चलाया, ये इंडिया की हदूद है। ये भी लोग देख रहे हैं, ये हल इंडिया, ये इंडिया की हदूद है। इतने करीब से मैं कहता हूँ आपको, बॉर्डर किसी ने नहीं दिखाया होगा। ये देख, यहाँ से ये पाकिस्तान की हदूद है।
और चाचा जी की हाल है? ये देख ए इंडिया का। अच्छा पाकिस्तान का है तो इंडिया ए खेत इंडिया दे गए ने। अच्छा 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 सही सही देख रहे हैं। ये जीरो लाइन है ये बुर्जी इंडिया वालों ने लगाई हुई है और वो पाकिस्तान की आखिरी हदूद है। वो सामने खेत इंडिया के हैं और ये वाले खेत है ना ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है अब देख लें आपको इतनी करीब से बॉर्डर दिखा दिया है कि मैं कहता हूँ किसी ने नहीं आपको दिखाया होगा। पीछे से फौजी भी देख रहा है कहीं ये ना हो कि वो बुला ले चलते हैं।